स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है ट्रेलर के बारे में, जो आपका 28 टन का 40 फीट का ट्रेलर होता है, आज मैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कुछ हमारे व्यूअर्स है जिनका कि बार बार मेरे पास कमेंट मैसेजेज आ रहा है कि सर ट्रेलर बिजनेस के ऊपर आप वीडियो बनाइए, ट्रेलर के ऊपर आप वीडियो बनाइए कि कितना वो, किस तरह का वो ट्रक होता है, कितना उससे कमाई किया जा सकता है, उसका माइलेज कितना होता है, पर किलोमीटर कॉस्टिंग कितना होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल है लोगों के ट्रेलर के लिए। तो आज मैं वही जानकारी लेकर के आया हूँ और आज मैं बताने वाला हूँ कि आप ट्रेलर अगर आपके पास है, मतलब कि जो फ्लैट वेट ट्रक होता है, जो आपका सेमी फ्लैट वेट हो या फिर हाई फ्लैट वेट हो या फिर लो फ्लैट वेट ट्रक हो, जो ये ट्रेलर्स वगैरह होते हैं, अगर ये आपके पास है, अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप लेने के लिए भी सोच रहे हो, बट लेने से पहले एक बार जरूर अच्छे से सोच लेना, अगर आप लेने के लिए भी सोच रहे हो तो आपका कितना कॉस्ट आ सकता है, कितना खर्चा आ सकता है, किस किस तरह का बिजनेस आप इस ट्रेलर से कर सकते हो, इसके साथ ही आपकी कमाई कितनी हो सकती है, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं डिटेल्स में जाऊं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ट्रेलर है ये कौन कौन सी कंपनियां बनाती है। कुछ मॉडल्स में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जैसे टाटा सिग्ना का आ जाता है 4018S, सिग्ना का यह है 3518, 4923 और अशोक लीलैंड का है 4019 और 3516। ये जो है ये एक्चुअल में ट्रेलर के लिए ये सब चीजें अवेलेबल है। आप ये सब खरीद करके ट्रेलर बनवा सकते हो या फिर ट्रेलर के साथ भी आप खरीद सकते हो, दोनों तरह से ये सारे मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इनमें से कौन सा ट्रेलर खरीदना पसंद करते हो। इसके अलावा मैं दोस्तों इंजन्स वगैरह की मैं जानकारी दे देता हूं। टाटा सिग्ना जो है खास करके ये BS6 के साथ अवेलेबल है और इसमें कमिंस ISB का इंजन लगा हुआ है। वहीं पे मैं अगर अशोक लीलैंड के ट्रेलर के बारे में बात करूं, जो कि 4019 या 3516 है, तो ये आपको BS3 और BS4 ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है और ये दोनों वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं ग्रॉस वेट की बात करूं दोस्तों, तो ये आपका 39.5 टन, मतलब कि 39,500 किलो के ग्रॉस वेट में अवेलेबल है। और वहीं पे मैं इसके पेलोड की मैं बात करूं तो 25 टन से लेकर के 28 टन का इसका पेलोड होता है। फ्यूल टैंक की मैं बात करूं दोस्तों, तो पॉलीमर का फ्यूल टैंक आता है इसमें, 350 लीटर से लेकर के 550 लीटर तक का इसका फ्यूल टैंक होता है। अब रेट की हम बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप इस तरह का कोई ट्रेलर लेने के लिए सोच रहे हो तो इसका आपको प्राइस कितना पड़ने वाला। तो अगर आप चेचिस लेते हो तो चेचिस दोस्तों आपको पड़ने वाला है तकरीबन 29 लाख का। वहीं पे आप कंप्लीट ट्रेलर लेना चाहते हो या फिर ले करके उसको बनवाना चाहते हो आप ट्रेलर, तो इसमें तकरीबन आपको 38 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। आप चाहो तो इसको ट्रेलर बना सकते हो, आप चाहो तो इसको टैंकर भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसी ट्रक इसके मॉडल से आप जो कार या बाइक के लिए गाड़ियां बनती है, जो कंटेनर बॉडी बनती है, वो भी बना सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस है, बट मैं वो दोनों ऑप्शंस पे बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सीधा सीधा ट्रेलर के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ट्रेलर के लिए ही बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ इसका प्राइस का, तो ये तो था न्यू प्राइस जो एक्स शोरूम प्राइस है, बट अगर मैं ओल्ड प्राइस की मैं बात करूं तो 2017 मॉडल के साथ 23 लाख में अवेलेबल है और 2018 मॉडल के साथ 17.5 लाख में अवेलेबल है। बट जो ये 17.5 लाख में अवेलेबल है, ये ज्यादा किलोमीटर चला इसलिए ये 17.5 लाख में अवेलेबल है। और इसको आप देखना चाहते हो, खरीदना चाहते हो या फिर इसके बारे में जानना चाहते हो, तो इंडो ट्रक्स करके एक वेबसाइट है, आप वहां पे जाकर के 4019 मॉडल जो है उसके बारे में आप देख सकते हो, 3516 जो मॉडल है इसके बारे में आप देख सकते हो, वहां से आप चाहो तो देख करके परचेज भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि जो ट्रक्स वगैरह जो ट्रेलर वगैरह चलाते हैं, कुछ लोगों से मैंने जो बात किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ना कि ये डिटेल्स कंपनी के तरफ से वेरीफाइड है, बिल्कुल नहीं, कंपनी की तरफ से ये सारे डिटेल वेरीफाइड नहीं होता है। जो लोग चलाते हैं उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। अगर फ्यूल माइलेज की मैं बात करूं तो अगर खाली है, खाली ट्रेलर कहीं चल रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका फ्यूल देगा वो
4.5 का आपका माइलेज देगा। वहीं पे अगर ट्रेलर के ऊपर कंटेनर रखा हुआ है और वो लोड है, खास करके मतलब ट्रेलर जो है वो लोड है, कंटेनर लोड है, या फिर उसके ऊपर कोई इसी तरह का कोई मशीन है, तो आपका जो पड़ने वाला है कोस्ट वो तकरीबन जो माइलेज होने वाला है वो तकरीबन 2.75 से लेकर के 3 का माइलेज दे सकता है। तो ये दो तरह के माइलेज में चलता है, डिपेंड थोड़ा सा इस पे भी करता है कि जिस रोड पे ये ट्रेलर्स वगैरह चल रही है वो रोड कैसा है, क्योंकि ज्यादा करके ट्रेलर्स वगैरह जो है इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा चलता है तो वहां पे थोड़ा सा कम माइलेज देता है, बट अगर हाईवे पे चलता है तो वहां पे थोड़ा सा माइलेज जो है ज्यादा देता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके रनिंग कॉस्ट के बारे में कि अगर आपके पास ट्रेलर है और उसको आपको रन करवाना है तो आपका कॉस्टिंग कितना आएगा। जो कॉस्ट मुझे बताया गया है, जो दो चार लोगों के साथ में बात किया उन्होंने जो मुझे कॉस्टिंग बताया है, तकरीबन 53 रुपए पर किलोमीटर का कॉस्टिंग आता है लोडेड में। ध्यान रखिएगा जब ये ट्रक लोडेड होता है तो तकरीबन 53 रुपए पर किलोमीटर का कॉस्टिंग आता है। वहीं पे अगर ट्रेलर खाली चलता है, मतलब कि सिर्फ ट्रेलर चलता है या उसके ऊपर सिर्फ एक कंटेनर रखा हुआ है, तो इसका जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 49 से लेकर 50 के बीच में रहता है। तो ये जो आपका माइलेज है ये थोड़ा सा आपका डीजल के हिसाब से फर्क में आता है, तो ये सबसे बड़ा कारण है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी जो ट्रक है उसमें ये चीज ज्यादा नहीं देखा जाता है, बट ट्रेलर में ज्यादा करके ये चीज देखा जाता है कि लोडेड ट्रेलर का माइलेज कितना होता है और खाली ट्रेलर का माइलेज कितना होता है। इसी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, जो मैं 53 रुपए आपको कॉस्ट बताया हूं, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी ईएमआई जो है वो इंक्लूड नहीं है। अगर ईएमआई इस पे लगाते हो तो और ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों टायर कॉस्ट, जो उसमें टायर लगा रहता है, ये तकरीबन आपको पर किलोमीटर 2.46 रुपए का पड़ेगा। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा की ये जानकारी दे दिया था। तो ये है आपका कॉस्टिंग से रिलेटेड। वही दोस्तों कमाई की बात करते हैं कि आपका इनकम कितना हो सकता है अगर आपके पास ट्रेलर है तो कमाई दोस्तों अगर आपका ट्रेलर महीने में 20 दिन चलता है, मैं मानता हूं कि 30 दिन नहीं चलता है, 31 दिन नहीं चलता है, 20 दिन ही चलता है, तो आपकी जो कमाई होने वाली है ट्रेलर से सारे खर्चे हटा करके तकरीबन आपको 45 से लेकर 60 हजार रुपए तक का कमाई होने वाला है। इतना बड़ा गैप इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आपका ट्रेलर टोल एरिया में चलेगा तो आपका कमाई कम होगा, जब आपका ट्रक टोल एरिया में नहीं चलेगा तो कमाई ज्यादा होगा। दूसरा चीज हम बात करते हैं, बहुत सारे ट्रेलर आज के डेट में मार्केट में ऐसे भी है जिनका कि डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रखा है, हर चीज एक्सपायर हो रखा है, एक्चुअल में वो ट्रक भी एक्सपायर हो रखा है फिर भी वो मार्केट में चल रहा है। तो अगर आपके पास उस तरह का ट्रेलर है तो आपको जो कमाई होने वाला है महीने का वो तकरीबन 60 हजार रुपए का कमाई या 65 हजार रुपए का कमाई आपको महीने का होने वाला है सारे खर्चे हटा करके। अब वहीं पे हम बात करते हैं कि अगर आपका ट्रेलर महीने में 25 दिन चलता है तो आपकी जो कमाई है वो तकरीबन 70 हजार से लेकर 75 हजार रुपए तक होने वाली है। इसमें भी हर तरह का खर्चा हटा करके मैं बता रहा हूं। इसके साथ ही जो मैं आपको कॉस्टिंग बताऊं, यहाँ पे मैंने 2 ड्राइवर को इंक्लूड किया है, 2 ड्राइवर के साथ में कॉस्टिंग बताया हूँ, तो वो कितना कॉस्टिंग हो सकता है उसके हिसाब से बताया हूं। मैं वहां पे दोनों ड्राइवर का जो खर्चा रखा हूँ वो मंथली 30 हजार रुपए का रखा हूँ, उसके हिसाब से मैंने आपको डिटेल्स में बताया है कि आपका खर्चा पर किलोमीटर कितना आएगा। बात करते हैं कि आपके पास अगर ट्रेलर है तो आप किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेलर है तो आप ट्रेलर से सबसे बड़ा जो है एग्जिम बिजनेस कर सकते हैं। एग्जिम मतलब कि जो शिप में या फिर मालगाड़ी के ऊपर जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी ICD के नियर बाय कहीं रहते हैं या फिर आप कहीं पोर्ट के नियर बाय रहते हैं तो वहां पे आपके लिए बहुत काम है ट्रेलर से। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप ट्रेलर के ऊपर मशीनरी आइटम्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, मशीन्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। आप ट्रेलर से ODC भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, उससे आप ODC जो मटेरियल होता है, जो बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी ये कुछ ट्रकों के बारे में और ट्रेलर के बारे में। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए ट्रक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।